चलिए ठीक है, ओमिक्रॉन की बात हमने कर ली है, अब जरा ठंड की भी बात हम कर लें, क्योंकि पहाड़ों पर जन्नत जैसे हालात हो गए हैं। जो लोग बर्फबारी से खासा इख्तियार रखते हैं और जिन्हें पसंद है, उनके लिए कहीं ना कहीं जन्नत जैसा है, लेकिन वहां का जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी को देखकर पर्यटकों के चेहरे भी खिल गए हैं। उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर, पहाड़ों पर हर ओर बस सफेद चादर दिखाई दे रही है। वहीं इस बर्फबारी से जहां एक ओर पर्यटक खुश है, तो वहीं दूसरी ओर व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बता दें कि बर्फबारी के चलते यहां सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए पहाड़ी इलाकों की, तो इस बर्फबारी से यहां के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, सिर्फ और सिर्फ एक सफेद चादर जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। जो बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, जिन्हें बर्फबारी पसंद है, जो पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बर्फबारी की चाह में पहाड़ों पर पहुंच तो जाते हैं लेकिन उन्हें मायूस लौटना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जोरदार, वहीं मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश के हालात जो है लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। कल भी आपने देखा था कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड बढ़ गई थी बारिश के बाद। उत्तराखंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सफेद चादर हर ओर नजर आती है और ये बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। और मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो भारी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में कितनी खुशी है और कितनों के चेहरे मायूस हैं? जी बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की मौसम की बात करें तो लगातार मौसम बदलता उत्तराखंड में नजर आ रहा है, और खासतौर से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो बर्फबारी जिन क्षेत्रों में होती है, उन क्षेत्रों में ये कहा जा सकता है कि जो व्यापारी हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बर्फ के जैसी ही बर्फ उन क्षेत्रों में पड़ती है, उसके बाद पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक संख्या में उन क्षेत्रों में बढ़ती है, और उसका वही जो स्थानीय लोग हैं चाहते हैं कि पर्यटक आए और उनका रोजगार बेहतर तरीके से चले। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन के आने के बाद से जो पर्यटकों की संख्या है उसमें जरूर उत्तराखंड में कमी आई है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि अभी भी कई ऐसे पर्यटक हैं जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपने साथ लेकर इन क्षेत्रों में घूमना आना चाह रहे हैं, और कहा जा सकता है कि व्यवस्था प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी के साथ की गई है कि किसी भी पर्यटक को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, उसकी व्यवस्था भी की गई है। बिल्कुल सुभाष, पर्यटक तो खुश है, लेकिन जो वहाँ की सामान्य जनता है, जो आम जनता है, उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही है, चाहे वो लाभ की व्यवस्था हो, रैन बसेरों की व्यवस्था हो? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि स्थानीय जो जनता है उनको रैन बसेरे नहीं, उनको व्यवस्थाओं की जरूरत होती है उन क्षेत्रों में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे मसूरी जैसे क्षेत्र हो, नैनीताल जैसा क्षेत्र हो, औली जैसा क्षेत्र हो, चोपता जैसे क्षेत्र हो, ये वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में पर्यटक आना पसंद करते हैं, क्योंकि बर्फबारी का लुत्फ वो उठाना चाहते हैं। तो इन क्षेत्रों में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई हैं, क्योंकि मसूरी एक हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, नैनीताल एक हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, और चोपता तो एक बुग्याल है, जिन बुग्यालों में रहने की जो संख्या है सीमित है, होटल हैं, जो चीजें हैं वो बहुत कम है, लेकिन उन सीमित चीजों में भी जो स्थानीय लोग हैं वो अपना रोजगार ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस वर्ष की पहली बर्फबारी इन सभी क्षेत्रों में हो चुकी है, केवल मसूरी को छोड़कर। हालांकि मसूरी में भी देखा गया कि मौसम काफी सुहाना था और उसके बाद से ही जो पर्यटक है उनके चेहरे खिल रहे हैं, होटल व्यवसाय भी कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि उनको बुकिंग जो है वो पहले से ही मिलने लगे हैं नए साल को देखते हुए। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधमसिंह नगर हो, इन क्षेत्रों में जरूर ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि रविवार देर रात की बात करें तो तमाम जो 3000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि चेहरे पर्यटकों के भी खिले और स्थानीय लोगों के भी खिले हैं। बिल्कुल सुभाष, और अगर मैं बात करूं इस बार की बर्फबारी की और पिछले साल की, तो कितना अंतर है? जो यहां पर व्यापारी हैं वो कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं? पिछले साल ज्यादा खुश थे या इस साल ज्यादा खुश हैं? हालांकि ओमिक्रॉन का खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके, जैसा कि आपने भी बताया। जी बिल्कुल, पिछली बार जो व्यवस्थाएं थी वो पर्यटकों के लिए बहुत सीमित की गई थी और कोशिश ये किया गया था कि पूरी तरीके से पर्यटकों के लिए उत्तराखंड बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार कोशिश ये की जा रही है पर्यटकों के लिए उत्तराखंड खोला जाएगा लेकिन व्यवस्थित तरीके से प्रोटोकॉल का पालन, यानी कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाएगा और उसके साथ ही पर्यटकों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि
पहली बर्फबारी के साथ ही चेहरे जरूर खिलते हैं, लोग खुशी जरूर जाहिर करते हैं, लेकिन नए साल पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सीमित करने के लिए कहा गया। और कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन के फैलने के साथ ही प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे प्रशासन की तौर से हो या स्वास्थ्य विभाग की तौर से हो, सभी कड़ी कर ली गई हैं। तो ऐसे में जो लोग आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर आएंगे या जिसकी दोनों कोविड की डोज लगी होंगी, जो वैक्सीन है उसकी डोज लगी होंगी, उन्हीं लोगों को आने की अनुमति होगी और उन्हीं लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था उत्तराखंड में की जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जैसे पहले कोरोना से पहले जो लोग पर्यटक आते थे उत्तराखंड की तरफ, बहुत अधिक संख्या में पर्यटक देखने को मिलते थे, जिसके बाद बड़ा खामियाजा देहरादून से मसूरी वाली रोड पर देखने को मिलता था कि ट्रैफिक जाम लग जाता था और बाईपास व्यवस्था की जाती थी पुलिस प्रशासन की तरफ से। ऐसी नौबत अभी तक नजर नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि चेहरे सभी लोगों के खिले, चाहे वो पर्यटक हो या फिर स्थानीय लोग हैं जो अपना रोजगार पर्यटकों के भरोसे चलाते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। तो उत्तराखंड की तस्वीर आप देख रहे हैं, बर्फ की चादर से पहाड़ जो है पूरी तरह से ढक गए हैं। ऐसे में जो पर्यटक हैं वो तो खुश हैं ही, साथ ही साथ जो व्यवसायी हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि नव वर्ष तक के लिए जो होटल्स हैं वो पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। हालांकि थोड़ी सी मायूसी इसलिए है क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप भी जाना चाहते हैं उत्तराखंड के इलाकों में बर्फ की वादियों का नजारा लेने के लिए तो आप जा सकते हैं, लेकिन आरटीपीसीआर आपके लिए अनिवार्य होगा। तो चार तस्वीरें उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, आप जहां जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन आरटीपीसीआर ले जाना मत भूलिएगा। मौसम सुहाना लगातार बना हुआ है। तो पहाड़ों पर जन्नत की तस्वीरें आपने देखी है और हम उम्मीद यही करते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों को जागरूक खुद से करें, क्योंकि हम भी एक जिम्मेदार चैनल हैं, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी जिम्मेदार व्यक्ति बनिए और ओमिक्रॉन की जो चेन है उसको तोड़ने में सरकार का साथ दीजिए और अपना साथ आप खुद दीजिए। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।